किस नज़र से आप इस दुनिया को देखते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है कि आप इस दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि हम सब हम सब के नज़रिए अलग अलग हैं। जी हाँ, हम सब ने अलग अलग बिलीव्स के, इंफॉर्मेशंस के, अलग अलग चीज़ों के चश्मे पहन रखे हैं, जिस वजह से हमें दुनिया अलग दिख रही है। और ये दुनिया मैं जैसा हूँ वैसे ही मुझे दिख रही है, ऐसी दूसरे के लिए दूसरे दिख रही है, हर किसी के लिए दुनिया अलग अलग है। तो ये सोचने का नज़रिया है और देखने का नज़रिया है कि आप इस दुनिया को कैसे देखते हैं। और ये भी बात सच है कि जैसा मैं हूं वैसे ही मुझे ये दुनिया दिखेगी। अगर मैं मेरे अंदर बुराई है, अगर मैं दूसरे से कंपैरिजन रखता हूं, मेरे अंदर ईगो है, मेरे अंदर प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं दुनिया को वैसे ही देखूंगा, मुझे बाहर की दुनिया वैसे ही दिखेगी। मुझे हर कोई इंसान के अंदर बुराई दिखेगी, हर कोई इंसान के अंदर मुझे कंपैरिजन दिखेगा, हर कोई इंसान के अंदर मुझे ईगो दिखेगी। लेकिन अगर मैं अच्छा हूं, मैं दिल से, मेरे अंदर कंपैशन है, मैं अपने आप की रेस्पेक्ट करता हूं, मैं अपने आप को प्यार करता हूं, तो मैं दूसरे के अंदर भी कंपैशन देखूंगा, दूसरे के अंदर भी प्यार देखूंगा, दूसरे से भी कंपैशनेट रहूंगा। तो ये जो रिफ्लेक्शन है ना, दुनिया ऐसी नहीं है बाहर से अंदर की तरफ, नहीं है दुनिया अंदर से बाहर की तरफ है। यानी कि जो दुनिया है ना, जो आप इसको देख रहे हो, वो अंदर से बाहर है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आप देखोगे कि अंदर ही है सब कुछ, थॉट्स, इंफॉर्मेशन, मेमोरी, सब कुछ अंदर ही है। आपके सेंसेस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन गई है और वही चीज बाहर आई है, है ना। तो अगर आपको बाहर की दुनिया को चेंज करना है तो सबसे पहले अंदर की दुनिया को चेंज करना पड़ेगा। मैं दुनिया की बाहर के लोगों को कभी नहीं बदल सकता अगर मैं अपने आप को बदल नहीं सकता तो, और ये बिलीफ्स को, ये जो जितनी भी सारी चीजें हैं, ये मैं तब तक चेंज नहीं कर सकता जब तक अपने आप को चेंज नहीं करूंगा। तो आप खुद सोचिए कि कोई इंसान वो इतना कुछ अलग कर दे रहा है। आपने नोटिस करा होगा कोई एक ऐसा इंसान जो इतना कुछ अलग कर दिया उसने, और हम वहीं पे ही बैठे हैं उन्हीं बिलीव्स के साथ, उन्हीं मान्यताओं के साथ, उन्हीं इंफॉर्मेशंस के साथ, है ना। मैं हम हल्का सा भी मूव नहीं हुए, वो इसी रीजन से नहीं हुए क्योंकि हमने कभी अपने अंदर काम भी नहीं करा, है ना। तो इसलिए अगर आपको बाहर की दुनिया चेंज करनी है, अगर आप किस नजर से आप इस दुनिया को देखते हैं वो डिपेंड करता है आप कैसे हैं। और ये बहुत ही खतरनाक सच है, मैं सच बता रहा हूं, ये बहुत ही खतरनाक सच है। अगर आप बुराई दिख रही है ना आपके अंदर, यानी कि आप बुरे हैं। अगर आप लोगों में अगर आप सब कुछ देख रहे हैं ना, हर चीज, तो यानी कि आपके अंदर प्रॉब्लम है। आई नो ये सुनने में बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होगा कि ये मैं क्या सच बोल दे रहा हूँ, इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए, हर चीज इतना सच क्यों बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये ही सच्चाई है। झूठ में कब तक जियेंगे मेरे भाई, झूठ जो चुका दिया है हमें, कब तक जियेंगे उस झूठ में, उस झूठ में किसी का कुछ बना नहीं हुआ है ना। तो अगर मैंने ये चैनल शुरू किया है और मैंने लिखा है कि वेज टू लिव एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ, कि हम एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जो हर तरीके से अच्छी हो, तो वो तभी हो पाएगी जब हम अपने ऊपर काम करेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। नहीं तो मैं दुनिया बाहर में कमी देखता रहूंगा, ये जो उंगलियां हैं मैं ऐसे ही रखता रहूंगा ये आगे की, लेकिन ये जो पीछे की तीन उंगलियां हैं इसको मैं देखूंगा तब जब मैं उसके ऊपर काम करूंगा, नहीं तो मैं आगे वाली उंगली देखूंगा, तू 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 तू। तो इसलिए पीछे वाली जो उंगलियां हैं ये तीन जो मेरी तरफ इशारा कर रही है, ये यहाँ पे लाके मुझे इसको चेंज करना है। और जब मैं जिस दिन मैं चेंज हुआ उस दिन मेरे आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होने लगेगा, मेरी प्रॉब्लम्स उसी टाइम सॉल्व होने लगेंगी। मैं वो इंसान जो कंपनी में जो मुझे प्रेशर दे रहा है या जो मुझे कुछ काम दे रहा है, मैं उसको एक अच्छा इंसान समझूंगा, है ना। मतलब आप समझ रहे हैं, आपका पूरा देखने का नजरिया चेंज हो गया, यानी कि जिस वजह से आप 99% जो माइंड आपके लिए क्रेविंग कर रहा है, माइंड आपके लिए परेशान हो रहा है, वो बिल्कुल पैटर्न ही बदल दिया आपने उसका, आपने माइंड का पैटर्न ही बदल दिया, उल्टा कर दिया बिल्कुल, कि देख अब कैसे तू बुराई देखेगा, है ना। और यही है, यही सब कुछ है, देखने की नजरिया है। इसलिए कहते हैं बुक्स रीडिंग जो है बहुत हेल्प करती है ना, कोई क्या होता है और क्या बन जाता है उसका आपके अंदर की रिफ्लेक्शन से बहुत इंपैक्ट है, क्योंकि सक्सेस इज नॉट अबाउट बाहर से अंदर की तरफ नहीं है, सक्सेस इनसाइड टू आउटसाइड है, है ना। मैंने शायद इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, इनसाइड टू आउटसाइड है। तो अंदर से बाहर की तरफ आइए और फिर आप देखेंगे कि आपका जो दुनिया का देखने का नजरिया है वो आप अपने हिसाब से ही चेंज कर सकते हैं। आपको बाहर के लोगों को चेंज नहीं करना होता है, फिर उसमें आपको पता है कि मेरे देखने में कुछ गड़बड़ी हो रही है, मेरे देखने में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, कोई लोग इतना कुछ बड़ा कर दे रहा है मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी ही समझ में कुछ गड़बड़ी हो रही है, मेरी अंडरस्टैंडिंग में कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो फिर आप सेल्फ इंक्वायरी और सेल्फ डिस्कवरी में निकल जाता है, है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अंदर से बाहर की तरफ आइए, किस नज़र से इस दुनिया को देखते हैं वो आपके ऊपर है। और सबसे ज़्यादा जो
इम्पैक्ट पड़ता है वो ये होता है कि आप देखते हैं तो क्या देखते हैं। आप पूरे दिन अगर आप नेगेटिविटी चीज़ें देखेंगे वही आपकी सेंसेशंस खिंच बंदा जाएगी और वैसे ही आप दुनिया को देखने लगेंगे क्योंकि वही मेमोरी आपकी बनती चली आ रही है। आप समझ रहे हैं कितना डीप है ये चीज़। तो इसलिए अगर मैं दुनिया को अच्छी तरीके से देखना चाह रहा हूँ तो नेगेटिव वाली चीज़ों से हटकर पॉजिटिव वाली चीज़ों पर आइए, कुछ अच्छा देखिए, कुछ अच्छा सुनिए, कुछ अच्छा बोलिए, कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ अच्छा कहिए, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी और दूसरे की ज़िंदगी भी अच्छी होगी, है ना। थैंक यू सो मच।